दोस्तों अभी जो आपने एडिट ट्रैक सुना है वो हमने इसी वीडियो के दौरान क्रिएट किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा से एडोबे ऑडिशन के अंदर कैसे एडिट ट्रैक एडिट ऑडियो क्रिएट करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों पिछली बार जो मैंने आपको बताया था उसकी लिंक आई बटन में दी है, उससे ज्यादा इम्प्रूव जो है वो दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो की सेटिंग्स है। यहाँ पे जो मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ उस सेटिंग्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप सिर्फ दो क्लिक्स के अंदर आपका एडिट ट्रैक क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों वीडियो शुरू से पहले वीडियो को कर देना लाइक, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको आपका एडोबे ऑडिशन ओपन कर लेना है और एडोबे ऑडिशन ओपन करने के बाद आप आपका सॉन्ग इंपोर्ट कर लीजिए। लाइक दोस्तों यहाँ पे मैंने एनसीएस का एलन वॉकर का फेडेड इस्तेमाल किया है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों जब आपने इस ट्रैक को इंपोर्ट कर लिया तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं किए, जस्ट मैंने रॉ फाइल को इंपोर्ट किया है। तो आप दोस्तों एक बार इस रॉ फाइल को भी सुन लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी सुना यहाँ पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं इन द रॉ फाइल। अभी दोस्तों यहाँ पे हम एडिट ट्रैक क्रिएट करने वाले हैं जिसके लिए दोस्तों बहुत सी सेटिंग्स हम लास्ट टाइम की यूज करने वाले हैं, लाइक दोस्तों डॉपलर शिफ्टर। पर डॉपलर शिफ्टर के अंदर भी दोस्तों मैंने कुछ वैल्यू जो है वो चेंजेस कर दिए है। वैल्यूज के अंदर वैल्यू चेंज करने के बाद पिछले बार से ज्यादा इफेक्ट अच्छा वाला इस बार आपको सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इफेक्ट्स के अंदर क्लिक करना है। और यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्पेशल का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे डॉपलर शिफ्टर का ऑप्शन मिलता है, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप जो भी स्क्रीन पे सेटिंग्स देख रहे हो लाइक दोस्तों सेम टू सेम सेटिंग्स आपको दोस्तों यहाँ पे कॉपी करने हैं और सेटिंग्स को कॉपी करने के बाद आपको अप्लाई करना है। लाइक दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सेटिंग्स का अप्लाई करने के लिए। लाइक रेडियस आपको 57 mm रखनी है, बाद में वेलोसिटी, स्टार्टिंग एंगल, सेंटर इन फ्रंट बाय, सेंटर इन राइट बाय, बाद में यहाँ पे एडजस्ट वॉल्यूम बेस्ड ऑन आपको यहाँ पे डायरेक्शन चूज करना है, क्वालिटी परफेक्ट, और सिंपली अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसे अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद दोस्तों विद इन सेकेंड से अप्लाई हो जाएगा। और अभी दोस्तों मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो कि दोस्तों आप सुन सकते हो कितना इम्प्रूव प्रीव्यू होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ऑडियो है वो अपने चैनल्स तो चेंज कर रहा है पर अभी भी इसमें दोस्तों वो मजा नहीं है एडिट ट्रैक का जो हम यहाँ पे जब सुनते हैं वो आता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सारी सेटिंग्स है दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों इफेक्ट ट्रैक का, आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे आप आपकी फाइल इंपोर्ट करते हो इसके बाजू में दोस्तों आपको मीडिया ब्राउजर इफेक्ट ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको आपके सारे रैक्स को दोस्तों यहाँ पे यानी कि आपके इफेक्ट्स को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सारे स्विचेस मिलते हैं, इनमें से दोस्तों आपको हर स्विच के अंदर एक एक ऑप्शन को यहाँ पे आपको इनेबल करना है। लाइक दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मेरा कस्टम ट्रैक सेट करके रखा है, कस्टम दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा फॉर्मेट सेट करके रखा है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 8D सॉन्ग प्रीसेट। अगर मैं दोस्तों इसे अगर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडियो रिवर्ब, ग्राफिक इक्वलाइजर 10 बैंड्स और ग्राफिक इक्वलाइजर 10 बैंड्स। यहाँ पे दोस्तों दो ग्राफिक्स इक्वलाइजर के दो सेटिंग्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडियो रिवर्ब को ओपन करना है। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं एडिट इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आपको यहाँ पे यही सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको कॉपी करनी है। आपको दोस्तों सबसे पहले स्टूडियो रिवर्ब यहाँ पे चूज करना है और स्टूडियो रिवर्ब चूज करने के बाद जो यहाँ पे आप सेटिंग्स देख रहे हो सेम टू सेम सेटिंग्स को दोस्तों यहाँ पे आपको चूज करना है। बाद में आप दोस्तों इन सेटिंग्स को यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके एज कस्टम प्रीसेट सेट कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 8D सॉन्ग प्रीसेट जो कि मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ग्राफिक इक्वलाइजर चूज करना है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ से ग्राफिक इक्वलाइजर चूज कर सकते हो और ग्राफिक इक्वलाइजर चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेटिंग मैंने बताई है वो आपको कॉपी करना है। लाइक दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक इक्वलाइजर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्राफिक इक्वलाइजर मिलेगा अंडर दोस्तों यहाँ पे आपको फिल्टर एंड इक्यू, फिल्टर एंड इक्यू के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे आपको ग्राफिक इक्वलाइजर मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। और इसे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने भी मेरा फॉर्मेट यहाँ पे भी सेट करके रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो दो फॉर्मेट है मेरे, एक है 8D सॉन्ग प्रीसेट बेस क्लिप एंड वोकल लिप। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इन प्रीसेट्स को यूज करना है। तो बेसिकली मैं आपको अभी इस प्रीसेट को दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इसी सेटिंग को यहाँ पे दोस्तों जैसे कि तैसे कॉपी करना है, सेम टू सेम आप यहाँ पे इस सेटिंग को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अप्लाई करेंगे। मे बी दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी है तो आप दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज आती है उनको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये जो है वो है दोस्तों यहाँ पे वोकल। दोस्तों यहाँ पे आपको वोकल लिफ्ट को दोस्तों सबसे पहले चूज करना है यहाँ पे इस सेकेंड ऑप्शन पे और यहाँ पे दोस्तों आपको इसे सिंपली अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वोकल लिफ्ट को अप्लाई करने के बाद सिंपली दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पे ग्राफिक इक्वलाइजर ओपन करना है और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको चूज करना है बेस लिफ्ट को। तो दोस्तों यहाँ पे आप बेस लिफ्ट को चूज करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो बेस लिफ्ट, यहाँ पे आपको ये सिंपल बेस लिफ्ट है और वोकल लिफ्ट
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट वोकल बूस्ट, इसी को दोस्तों हम कहते हैं वोकल लिफ्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसे चूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ बेस लिफ्ट के बारे में। तो या दोस्तों यहाँ पे आपको बेस लिफ्ट को चूज करना है और डिफॉल्ट सेटिंग, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ऐसी सेटिंग्स नहीं है तो आप कर लीजिए और बाद में अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रैक दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली हो जाएगा सेट। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप इन सारी सेटिंग्स को यहाँ पे ऐड करते हो, बाद में यहाँ पे आपको दोस्तों प्रोसेस को एंटर फाइल सिलेक्ट करना है और बाद में सिंपली कर देना है अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करते हो दोस्तों आपका एडिट ट्रैक हो गया कम्प्लीट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आप सिर्फ दो क्लिक्स की हेल्प से दोस्तों यहाँ पे एडिट ट्रैक क्रिएट कर सकते हो, यानी कि दोस्तों आपको जो भी काम क्रिएट करना पड़ेगा जब आप एडिट ट्रैक क्रिएट करते हो तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। आप वीडियो के ऊपर काम करोगे, आपको ट्रैक बनाने के लिए मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे आपको 2 मिनट लगेंगे। फर्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रैक इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों इफेक्ट्स में जाना है, डॉपलर शिफ्टर अप्लाई कर देना है। बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको प्रीसेट बताया, आपको दोस्तों इस प्रीसेट को सेव करना है आपके सिस्टम में। और जब दोस्तों यहाँ पे आप डॉपलर शिफ्टर अप्लाई करते हो, सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको आना है, एडिट सॉन्ग प्रीसेट चूज करना है, अप्लाई कर देना है और बूम, आपका सॉन्ग दोस्तों यहाँ पे हो चुका है क्रिएट। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था आप दो क्लिक्स में सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, तो आपका सॉन्ग क्रिएट हो गया। अभी दोस्तों अगर आप इसका प्रीव्यू सुनना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रीव्यू एंजॉय करिए। मैं दोस्तों यहाँ पे फुल सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। और दोस्तों उससे भी पहले अगर आप फुल सॉन्ग नहीं सुनना चाहते हो तो आपके लिए क्विक प्रीव्यू यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमारा एडिट ट्रैक क्रिएट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ऑडियो फाइल में कुछ दोस्तों ट्रैक की क्वालिटी में कम ज्यादा अगर लग रहा होगा तो दोस्तों यहाँ पे ये ड्यू टू स्क्रीन रिकॉर्डर है, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर उतनी अच्छी क्वालिटी कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। पर दोस्तों यहाँ पे जब आप ट्राई करोगे तो आपको खुद दोस्तों यहाँ पे इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि आप जैसे बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हो और बाद में दोस्तों इस सेटिंग्स के साथ क्रिएट करने वाले हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा। आप दोस्तों लास्ट जो मैंने आपको बताया था लास्ट फॉर्मेट उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा बेटर ये है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आपके चॉइस के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो और एडिट ट्रैक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे आप इस फुल सॉन्ग का मजा लीजिए।